सबको नमस्कार। अभी आप लोगों ने एक दो दिन से सुना होगा कैप्टन अमरिंदर साहब लंबी से और पटियाला दोनों सीटों से लड़ रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ये आ रहा है कि वो लंबी से क्यों लड़ रहे हैं। पहली चीज़ तो दो सीटों से क्यों लड़ रहे हैं? अगर वो प्रकाश सिंह बादल को, बादलों को हराना चाहते थे, उनके अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते थे, तो सीधे लंबी से लड़ते ना। पटियाला और लंबी दोनों से क्यों लड़ रहे हैं? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आज सुबह मेरे से कुछ लोग मिलने के लिए आए जो कैप्टन के बहुत करीबी हैं। उन्होंने बताया, जी बादलों की और कैप्टन साहब की दोनों की डील हो गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रकाश सिंह बादल जी के खिलाफ लंबी में जरनैल सिंह को उतारा था और पिछले कुछ दिनों से जरनैल सिंह का चुनाव खूब खड़ा हो गया और क्लियर हो गया कि प्रकाश सिंह बादल लंबी से हारने वाले हैं। तो अब कैप्टन साहब की और प्रकाश सिंह बादल की डील हुई है। कैप्टन साहब को रिक्वेस्ट किया प्रकाश सिंह बादल ने कि आप लंबी से लड़िए और जरनैल सिंह के वोट काटिए, जो एंटी बादल जितने वोट हैं वो सारे काटिए आप। तो लंबी से कैप्टन साहब प्रकाश सिंह बादल को जिताने के लिए लड़ रहे हैं, उनको हराने के लिए नहीं लड़ रहे। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने कहा है कि पटियाला से मैं लड़ रहा हूँ जीतने के लिए और लंबी से लड़ रहा हूँ बादल के खिलाफ लड़ने के लिए। तो बादल के खिलाफ लड़ नहीं रहे, वो बेसिकली एंटी बादल वोट काटने के लिए और बादल साहब को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। पहली चीज़ तो कैप्टन साहब जो मर्जी कर लें, जरनैल सिंह जीतने वाला है वहाँ से। दूसरी चीज़, ऐसे टाइम में जब पूरे पंजाब के अंदर बादलों के खिलाफ इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, पूरा पंजाब बादलों को हराने के लिए खड़ा हो गया, मजीठिया को हराने के लिए खड़ा हो गया, कैप्टन साहब ने बादलों से हाथ मिला लिया। ये तो धोखा दिया है उन्होंने पूरे पंजाब को, ये तो पीठ में छुरा घोंप दिया अब सारे पंजाब के। कैप्टन साहब ने बहुत शर्मनाक हरकत की है, कैप्टन साहब ने बादलों के साथ हाथ मिला के चुनाव के टाइम में। कैप्टन साहब कह रहे हैं मैं बादलों को उनके अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं, इसलिए मैं सीधे लंबी से लड़ रहा हूं। मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूं, कैप्टन साहब 35 साल हो गए आपको राजनीति में, 35 साल में एक बार आप बादलों के खिलाफ सीधे नहीं लड़े। अगर लड़ना ही था, आप 2 महीने पहले नहीं आपने ऐलान किया, चुनाव के 10 दिन पहले आपने ऐलान किया है कि मैं लंबी से प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ूंगा। तो दाल में तो काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है कैप्टन साहब। पूरा पंजाब देख रहा है, आप पंजाब के लोगों को धोखा दे रहे हो, आपने पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। आप माफ़ी मांगिए पंजाब के लोगों से जिस तरह से आपने हाथ मिलाया बादलों के साथ, लेकिन पूरा पंजाब खड़ा हो गया है। इस बार आपकी और बादलों की ये जो फ्रेंडली मैच चल रहा है ना, ये जो मिल के आपने पंजाब को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, लोग आपको ऐसा उखाड़ के फेंकेंगे जिंदगी भर याद रखेंगे आप।